से बड़ी खबर आ रही है जहां ब्लास्ट होने के बाद सड़क पर टैंकर पलट गया। मुंगवानी थाने के NH 44 पर खापा बॉर्डर के पास यह हादसा हुआ है। सिवनी से दतिया जा रहा था सोयाबीन तेल का टैंकर। लोग तमाम कंटेनर लेकर पहुंच गए हैं यहां पर और तेल को लूटने के लिए आसपास के ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रही है नरसिंहपुर में, जहां से प्रहलाद पटेल मंत्री को प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। और यहां पर आप देखिए किस तरीके से टैंकर के पलटने की खबर मिली है। अचानक से टैंकर के पलटने से अफरा तफरी का माहौल, और दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर जब टैंकर पलटा यहां पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई है। दरअसल सोयाबीन का तेल इस टैंकर में था और जैसे ही टैंकर पलटा, ड्राइवर का भी कुछ अता पता नहीं है, लेकिन आसपास के लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई है। और यहां पर लोग अपने घर से डब्बा लेकर पहुंच गए हैं तेल को भरने के लिए और इन तमाम डब्बों में वो तेल भर रहे हैं। आशीष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, वजह क्या आ रही है, कैसे ये टैंकर पलटा, ड्राइवर कहां पर है, इस पूरे मामले में जांच को लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं? ये शिवनी की ओर से टैंकर आ रहा था, राइट साइड से टैंकर चल रहा था। पिछली बार भी अभी कुछ दिनों पहले एक टैंकर ब्लास्ट हुआ था उसी जगह पे। ये NH 44 मुगवानी थाने की खापा बॉर्डर है, वही फिर से हादसा हुआ है। और गनीमत ये रही कि इस बार टैंकर फट नहीं पाया या कोई ब्लास्ट वाली स्थिति नहीं आई, कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से टैंकर राइट साइड से आते हुए पलट कर दूसरी तरफ रॉन्ग साइड पर जाके पलट गया है, उससे सोयाबीन तेल से भरा हुआ टैंकर था। गाँव के लोग और आसपास जो रहने वाली आबादी है वहाँ के लोग कुप्पे कुप्पिया बाल्टियां ये सभी लेके पहुंच गए। जिस तरह से आप विजुअल देख सकते हैं कि लूट मची है, बिल्कुल इस तरह से तैयारी है कि पूरा तेल यहाँ से लूट के ले जाएंगे, तो वो सीन साफ नजर आ रहा है। लेकिन ये बड़ी बात है कि किसी की कोई हताहत नहीं हुआ है, तो ये समझ में आता है कि जिस तरह से शिवनी की ओर से रास्ता नरसिंहपुर की ओर आता है, कहीं ना कहीं हाईवे में ऐसी कुछ स्पीड कंट्रोल करने की स्थिति नहीं बन पाती है। पिछली बार भी यही हुआ था और इस बार भी यही हुआ है कि टैंकर जो रफ्तार से आ रहा था तो वो कवर नहीं कर पाया अपने आप को और जाके दूसरी ओर पलट गया है। तो ऐसी हालत में गनीमत ये कि हादसा नहीं हुआ, और जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की टीम यहाँ पहुंची हुई है, कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह से रास्ते को साफ किया सके। जो डाउन ट्रैक है जाने वाला, शिवनी की ओर जाने वाला रास्ता, वहां भी यातायात प्रभावित है। बिल्कुल, ऐसे में देखिए यहाँ पर कई सवाल उठते हैं कि आखिर क्या टैंकर ओवर स्पीडिंग और तमाम चीजें हैं क्या। बहुत शुक्रिया आशीष फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो टैंकर पलटने के बाद तेल की लूट मची है। आप देखिए किस तरीके से जो आसपास के लोग हैं वो पहुंच गए हैं कंटेनर लेकर अपने घर से और इसमें वो तेल भर रहे हैं, क्योंकि बीच सड़क पर नेशनल हाईवे 44 पर टैंकर पलट गया है और ब्लास्ट होने के बाद सड़क पर टैंकर पलटा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग का एक्शन देखने को मिला है, जहां चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। CEO रीना बाबा कंगाले ने कार्रवाई की है, 24 से ज्यादा अफसरों को हटा दिया है। दल और प्रत्याशी के पक्ष में काम करने का आरोप इन पर था और अफसरों को जिला मुख्यालय में अटैच किया गया है। चुनाव के काम से सभी को हटा दिया गया है, ये बड़ा एक्शन इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार सक्रिय है। चुनाव आयोग के सक्रिय होने से किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही यहां पर बर्दाश्त नहीं की जा रही है और वो अधिकारी जो किसी भी दल या प्रत्याशी के पक्ष में काम कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया गया है। चुनाव के काम से सभी को हटा दिया गया है और अफसरों को जिला मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। इन पर आरोप है दल या किसी प्रत्याशी के पक्ष में काम करने का, इसलिए ये एक्शन लिया गया है। अफसरों को अब जिला मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है और 24 से ज्यादा ऐसे अफसर हैं जिन्हें हटाया गया है। CEO रीना बाबा कंगाले ने यह कार्रवाई की है और
इस कार्रवाई से समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग सक्रिय है। इतना ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्या चल रहा है, प्रिंट मीडिया में क्या चल रहा है, क्या कहीं कोई प्रचार प्रसार तो नहीं हो रहा, इसको ध्यान में रखने के लिए, इसको इस पर नजर बनाए रखने के लिए एक अलग सा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और यहां से मॉनिटरिंग हो रही है। नरसिंहपुर में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। आमगांव में एक नुक्कड़ सभा को उन्होंने कहा कि दानवों से लड़ने के लिए महादानव नहीं बना जाता बल्कि शक्ति बना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में महिला सशक्तिकरण के कई बड़े काम हुए हैं। तो प्रहलाद पटेल ने कहा कि दानवों से लड़ने के लिए महादानव नहीं बनना बल्कि महाशक्ति बनने की जरूरत है। नुक्कड़ सभा के जरिए चुनाव प्रचार, आप देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको प्रहलाद पटेल की, जिन्हें नरसिंहपुर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और वो इस नुक्कड़ के दौरान क्या कुछ कह रहे थे आपको सुनाते हैं। व्यवस्था में हमारी परंपरा में हमारी विरासत में हमारे धर्म और शास्त्र में हमारी भाषा जो है हमारे अपर स्थान पर हमारा स्थान दूसरा है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ गई है। कांग्रेस बीजेपी ने अपने ज्यादातर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। आज कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है बचे कुचे। वहीं बीजेपी ने अब तक 86 उम्मीदवारों की घोषणा की है। तो कांग्रेस ने 83 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इस तरह से बीजेपी के 4 और कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों के ऐलान होना अभी बाकी है। चाहे वो अंबिकापुर हो, बेलतरा हो, बेमित्रा हो और कसडोल में बीजेपी के चेहरे सामने आने का इंतजार है। कसडोल, सरायपाली, बैकुंठपुर, रायपुर उत्तर, महासमुंद, धमतरी, सिहावा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का इंतजार है। तो बीजेपी के जहां 4 तो कांग्रेस के 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है और इसका इंतजार अभी किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज कांग्रेस बचे कुचे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। तो भोपाल से बड़ी खबर आ रही है जहां उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है बीएसपी की तरफ से। बीएसपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 8वीं लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम, राकेश रुस्तम सिंह को मुरैना से प्रत्याशी बनाया गया है। अगर बात बीएसपी की करें तो 2018 में बीएसपी ने जबरदस्त प्रदर्शन दिया था चुनावों में और ऐसे में बीएसपी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान लगातार किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा कई लिस्ट बीएसपी की देखने को मिली थी और इसमें भी कई नाम बीएसपी ने शामिल किए थे। फिलहाल अगर हम बात करें तो बीएसपी ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी की है और उसमें 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में रंग बिरंगे रंग देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही रंग देखने को मिला है रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में, जहां नामांकन फॉर्म लेने की आस में कलेक्टर पहुंचे शंकर लाल को मायूस होना पड़ गया और वो यहां पर मायूस इसलिए हुए कि 10-10 रुपए के 1000 सिक्के लेकर वो आए थे, जो नामांकन भरने के लिए जमा की जाने वाली राशि के रूप में देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने 10,000 रुपये के सिर्फ सिक्के लेने से इनकार कर दिया और वो निराश हो गए और धरने पर बैठ गए। आज से दूसरे चरण को लेकर नामांकन शुरू हो गए हैं और जो निर्दलीय लड़ना चाहते हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए भी आ रहे हैं और इस बीच कुछ दिलचस्प नजारे भी दिखाई दे रहे हैं। शंकर लाल यहां पर आए हुए हैं, कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं और आप देखिए कि वो उन्होंने जो 10-10 रुपए के जो सिक्के, 10-10 के जो सिक्के जमा किए हुए थे वो 10-10 रुपए के सिक्कों को लेकर यहां पर आए हैं। करीबन 1000 सिक्के हैं, चूंकि नामांकन के लिए 10,000 रुपए जो है वो जमा करने पड़ते हैं तो उसको लेकर यहां पर आए हुए हैं, लेकिन उनका नामांकन नहीं, इन सिक्कों को नहीं लिया गया तो उसके चलते
वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं और सुबह से वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आप नामांकन दाखिल करने आए थे? जी मैडम। कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? उत्तर विधानसभा से। कहाँ से लड़ना चाहते हैं? उत्तर विधानसभा 50 से। अच्छा, क्या नाम है आपका? शंकर लाल वरंदानी। क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, छोटा सा मैकेनिक हूँ। ये जो सिक्के आपने कहाँ से लाए? 6 महीने से मैं लोगों से, हर व्यापारी से मांग रहा हूँ, तो जो नहीं चल रहे वही मेरे सिक्के देते जा रहे। अच्छा। वही आप पता किया, बोले चलते हैं सिक्के, मैंने चंदा लेके किया इकट्ठा, यहाँ जब इकट्ठा करके आया तो लेने से इनकार किया, और मैं निर्जल बिना अन्न त्याग कर यहाँ धरने में बैठा। उत्तर की जो सीट है उसको भी हाई प्रोफाइल माना जाता है, अभी तो कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पाई है, बीजेपी ने जरूर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, आप कहाँ पर ठहरेंगे आपको लगता है? मेरे ठहरने का नहीं, मेरे जनता को जगाना है, नेता आप बनी है, इन नेताओं के पीछे मत दौड़ो, और ये मेरा 20वां चुनाव है। 20वां चुनाव है? 20वां मतलब 20वीं बार आप विधानसभा के लिए भर रहे हैं? नहीं नहीं, 5 लोकसभा, 5 विधानसभा, 5 पार्षद और 2 महापौर, 3 महापौर का लड़ा। इसके पहले भी सिक्के लेके गए थे क्या? नहीं, सिक्के नहीं, सिक्के नहीं लेके गया था, इसके पहले प्याज की माला थी मेरे पास। प्याज की माला? हाँ। तो आप ये थोड़ा सा स्टंट के लिए करते हैं क्या कि भाई इस तरह से? ये जनता परेशान है, जनता जगाती है मेरे को, हाँ मैं जनता के लिए चुनाव लड़ता हूँ। तो कैसे आप प्रचार प्रसार के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे जब चंदे से आप? फिर जनता देगी, देने के लिए बहुत तैयार है, जनता इन पार्टियों से त्रस्त है। आज नवरात्र का 8वां दिन है और माँ मैहर वाली का श्रृंगार भी देखिए काफी अद्भुत है। आज माता महागौरी के रूप में आज लोग पूजा अर्चना करते हैं। विंध्याचल के त्रिकुट पर्वत पर विराजमान जगत जननी मैहर वाली माँ शारदा देवी के दर्शन के लिए तड़के ही सैकड़ों भक्त मंदिर पहुंचे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।